हेलो दोस्तों, मैं सुजाता शर्मा, मेरे चैनल रसोई रत्न में आपका स्वागत है। आज मैं प्याज और आलू का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक स्नैक बनाऊंगी, जो आपने इससे पहले न कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना खाया होगा। आपको आप इसे एक बार देखेंगे और बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किसकी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने 5 से 6 ये उबले हुए आलू ले लिए, इनको मैं ग्रेट करूंगी। 3 से 4 प्याज के मैंने इस तरीके से सेल्स निकाल लिए, आप देखिए इस तरीके से ही निकालने। एक बारीक प्याज जो मैं आलू फ्राई करूंगी उसके लिए, 2 मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, 1 कटोरी बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इस स्नैक को तो आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए। ये 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच है अजवाइन। नमक स्वादानुसार लेंगे हम। चलिए तो फिर मैं बताती हूँ आपको आगे का प्रोसेस किस तरीके से बनाना है। मैंने आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। अब मैं इसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल लूंगी, 1/2 कटोरी हमें इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा क्रैकल कर लेना। हमें इसमें प्याज डाल दूंगी, साथ में ये हरी मिर्च डाल दूंगी। यदि आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल दीजिएगा 1-2 कली। मैं नहीं खाती इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। जब प्याज हमारी हल्की भुन जाएगी तब मैं इसमें गाजर डालूंगी। बहुत ही बढ़िया स्नैक बन के तैयार होता है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। एक बार आप इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। अब प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है, ब्राउन हो गई है, मैं इसमें गाजर डाल दूंगी, ये आलू डाल दूंगी। मैं अपने मसाले ऐड करूंगी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। मुझे 2 से 3 मिनट के लिए पिट्ठी को भूनेंगे। इसमें गाजर का भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसे हम पलट पलट के 2 से 3 मिनट तक पिट्ठी को भूनेंगे।
इससे क्या है टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। उस टाइम हम गैस कर लेंगे मीडियम। ये हमारी पिट्ठी बनके तैयार हो गई है, 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए। ये मैं इस तरीके से निकाल लूंगी ठंडा होने के बाद, फिर आगे की प्रोसेस बताती हूँ आपको। देखिए इसकी फिलिंग कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब मैं आपको बेसन का गोला में तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम बेसन डालेंगे, कॉर्नफ्लोर, और ये बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच, मिर्ची, धनिया, ये अजवाइन है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे क्योंकि बेसन के साथ अजवाइन हमेशा जाती है। और नमक ये हम स्वाद अनुसार डालेंगे। मुझे बेसन थोड़ा कम लगा था तो मैं इसमें आधी कटोरी बेसन और बढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पहले बोला था आप अपने स्नैक के अनुसार, आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप बेसन और कॉर्नफ्लोर की मात्रा कम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पहले हम अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें इसको हम घोल को तैयार करेंगे। पानी हमेशा एकदम से नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं और हमें इसका घोल न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला रखना है। कभी भी पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि एक तो गुठली रह जाती है और पतला भी हो सकता है, इसलिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए। हमें इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखनी है, हमें इस तरीके की, देख लीजिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं। उसके लिए हमें ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हमें इस तरीके से इसमें डालनी है प्याज में, ये इस तरीके से, और ये हमें ये दूसरी प्याज से इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से कवर करके रखना। मैं आपको भर के दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं ऐसे ही सारे भर के तैयार कर लूंगी, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप सारे भर के रख लीजिएगा, ये इस तरीके से। और अब मैं इनको तलना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल ली। अब मैंने कढ़ाई में
ये 250 ग्राम तेल डाल दिया है और ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इनको कढ़ाई में छोड़ती हूँ। देखिए आप तरीका देखिए किस तरीके से, ये हमें ऐसे पूरी तरीके से कोट करना है। ये इस तरीके से देखिए मैं आपको छोड़ के दिखाती हूँ। ये पूरी तरह से कोट हो जाना चाहिए बेसन में। देखिए ये पूरी तरीके से कोट हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए हमारी ये प्याज पूरी तरह से कोट हो जानी चाहिए। अब मैं ऐसे सारे छोड़ लेती हूँ। अब मैं आपको देखो पलट के दिखा रही हूँ, एक तरफ हमारे सिक चुके हैं हल्के हल्के, हमें पलट पलट के ये चारों तरफ से सेकने हैं। और हमारी गैस स्टैंड मीडियम है, देखिए कितने सुंदर सिक के तैयार हो रहे हैं। देखिए मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इनको अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक इनको पलट पलट के सेकूंगी। अब ये हमारे सेक चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट ऑफ करती हूँ। हमारे सीक चुके हैं, आप देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से सेकने, ऐसे वाला हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। इससे क्या क्रिस्पी करारे होते हैं और अंदर तक सिक भी जाते हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमारा आलू और प्याज का स्नैक बन के तैयार हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। यदि आपको आलू प्याज का ये नया स्नैक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।